देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बासा फिश तवा फ्राई। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 kg बासा फिश का फिले लिया है, 1/2 teaspoon अदरक लहसुन का पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon क्रश किया हुआ काली मिर्च, 1 tablespoon फिश करी मसाला, 2 tablespoon बटर, 1 teaspoon लेमन जूस, ये हम लास्ट में गार्निशिंग के टाइम में यूज करेंगे, और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सारे ड्राई मसाले को एक साथ में मिक्स करना है। पहले हम ये ब्लैक पेपर पाउडर को ये फिश करी वाले मसाले के बोल में डाल दिया, जिंजर गार्लिक पाउडर डाल देंगे, उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दिया, रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि हम फिश को बटर में फ्राई करेंगे और बटर में पहले से नमक मौजूद रहता है। अब ये मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फोर्क के हेल्प से फिश के दोनों ही साइड में हमें इस तरह से प्रिक कर लेना है। प्रिक करने से क्या होगा ना, मैरिनेशन के टाइम में मसाला इसमें अच्छी तरह से अब्सॉर्ब होगा। अब हमें फिश के फिले में ये जो मसाला जो है इसमें स्प्रिंकल करना है। अब मसाले को अच्छी तरह से ये फिश के पीस में रब कर लेंगे। अब फिश के पीस को पलट के हमें फर्स्ट प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। अब हमें 15 से 20 मिनट के लिए फिश को मैरिनेट करना है। अब सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इस तवा को हमें गर्म कर लेना है। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें 1 teaspoon के करीब करीब बटर ऐड करेंगे और इसे इस तरह से मेल्ट कर लेंगे और इसे पूरा तवा में हमें स्प्रेड कर लेना है अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बटर जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब फिश के एक पीस को हम तवा में बहुत ही सावधानी से रख देंगे। अब फ्लेम को बढ़ा लेंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से फिश को इस हल्का हल्का करके बटर में रोल कर लेंगे। हम हल्के से ही रोल करेंगे क्योंकि फिश जो है बहुत ही डेलिकेट होता है, ये टूट जाएगा। हमें फिश के एक एक साइड को 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। फिश को हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब फ्लेम को लो कर लेंगे और फिश को 30 to 40 seconds के लिए हमें इस तरह से टॉस करते करते फ्राई करना है। अब इसे बहुत ही केयरफुली हमें फ्लिप करना है। इसे बहुत ही सावधानी से फ्लिप कीजिएगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था ये फिश बहुत ही डेलिकेट होता है, तो ये टूट सकती है। तो 2 spatula के हेल्प से हमने इसे फ्लिप कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं फिश का जो अपर जो लेयर है कितना अच्छा ब्राउन हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके ऑपोजिट पोर्शन को भी फ्राई करना है। अब गैस को सिम ही रहने देंगे और इसमें हमें 1 teaspoon के करीब करीब बटर ऐड करना है और साथ ही साथ इसे बटर में थोड़ा सा रोल कर लेंगे ताकि बटर जो है फिश के ऑपोजिट पोर्शन में भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये फ्राइड वाले पोर्शन में हमें बटर से थोड़ा सा ब्रश कर देना है। ऐसा करने से इसका फ्राइड पोर्शन भी सॉफ्ट रहेगा। अब इसे 5 मिनट के लिए हमें नॉर्मल फ्लेम में फ्राई कर लेना है। 5 मिनट हो चुका है, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे हमें 30 to 40 seconds के लिए थोड़ा सा टॉस करते करते फ्राई कर लेना है। 5 मिनट हो चुका है, अब हमें इसे बहुत ही केयरफुली फ्लिप कर लेना है।
अब इसके ऑपोजिट पोर्शन को हमें लो फ्लेम में 30-40 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है टॉस करते करते। उसके बाद हमारा ये फिश फ्राई जो है बिल्कुल रेडी। बिल्कुल फर्स्ट बैच की तरह हम दूसरे वाले फिश के पीस को भी फ्राई कर लेंगे। ये रहा हमारा बासा तवा फ्राई, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब ये जो लेमन जूस है इसे ब्रश के हेल्प से हमें फ्राइड फिश के पीस के ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, बासा फिश तवा फ्राई। मैंने इसे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव से गार्निश किया है। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपका जो भी सजेशन हो इस फिश फ्राई के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए